हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। इन अर्लियर सेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्रेटजी, आवर अप्रोचेस टू स्टडी, एंड वी टॉक्ड अबाउट लिस्ट ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज एंशियंट हिस्ट्री पार्ट वन एंड पार्ट टू। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच हैव चांसेस टू कम इन बीपीएससी पीटी एग्जाम। Today in this session we are going to study about medieval history of Bihar part 1. You know, it's a very important chapter or very important part in our BPSC syllabus. So what is the purpose of this session, of today's session of medieval history of Bihar? So our purpose is to learn the history of medieval Bihar, and we also learn about Pala dynasty. You know, generally actual mein jo medieval history hai wo आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम तुर्क्स, जो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद का जो पीरियड है वो मिडिवल सेशन में, मिडिवल पीरियड में काउंट होता है। बट हमने पाला हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीपीएससी को लेके। सो इन टुडे सीजन, इंक्लूडिंग मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाला हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ पाला डायनेस्टी एंड लेटर डायनेस्टीज हु रूल्ड बिहार आफ्टर पाला। This topic is very important for PT as well as mains, because you know mains GS part 1 includes the Pala art and architecture, aur kyunki ye BPSC ka interview se related hai, because its a core history of Bihar is related to this. So many a times question in BPSC interviews also ask of history of medieval Bihar. If you go through the earlier years exams of PT exams of BPSC, you will find so many questions from this section is being asked in PT. Or those students who are having history as their optional subject, it's very important to them also, because it's very extensively covered. Medieval history of Bihar is extensively covered in this session. So let us move forward, friends, and hope ki aap कॉफ़ी और पेन के साथ बैठे होंगे, सो दैट आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें, और साथ में इसमें आपका हिस्ट्री के स्टडी के साथ साथ पीटी का क्वेश्चंस भी तैयार होते जाएगा, इफ़ यू आर रेडी विद योर पेन एंड पेपर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पाला डायनेस्टी, लेट अस टॉक अबाउट पाला डायनेस्टी। जैसे गुप्ता डायनेस्टी इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लाइक वाइज पाला डायनेस्टी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार इन बंगाल। Pala dynasty, actually they ruled from Bengal, but its core area of empire, core area of kingdom was Bihar. So during period of 750 AD and 1000 AD, after decline of Harshvardhana, many small kingdoms grew up in all the regions. So period of 750 AD and 1000 AD, many powerful empires rose in northern and Deccan area. So northern part है इंडिया का, और जो Deccan part है, very small kingdom, many of small kingdoms rose in this period of time. उसमें जो सबसे ज़्यादा important था, they were Pala, Rashtrakuta and Pratihara. They were the most powerful among them. Pala dominated eastern India, it's covered Bengal and Bihar area till the middle of 9th century. From 750 AD to 19th century, they dominated Bengal and Bihar. Likewise, Pratihara kingdom dominated western India and upper Gangetic Valley, जो आपका यूपी का जो अपर पोर्शन है, वेस्टर्न यूपी कैन से, उस एरिया को वो दोनों डोमिनेट किया अप टू 10th सेंचुरी। राष्ट्रकूटा एक्चुअली उनका जो एरिया ऑफ डोमिनेंस था, इट वॉज अ डक्कन पार्ट, बट वो उन्होंने नॉर्थ एंड साउथ इंडिया दोनों टेरिटरी को टाइम टू टाइम डोमिनेट किया। उनके जो पावरफुल रूलर थे, वो अपने एरिया से आगे बढ़ के भी बहुत सारे एरिया को अपने डोमिनेशन के अंडर लाए, हालांकि वो परमानेंट नहीं रहा, बट दे कीप टेकिंग एंड लिविंग ऑल दट दो सच टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एज वेल। एंड ये जो पीरियड है 750 AD to 1100 AD, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रिपेरियट स्ट्रगल एज वेल। इसमें जो पाला, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वेयर टेकन पार्ट ऑफ इन दिस। तो ये जो पीरियड है वो ट्रिपेरियट स्ट्रगल पीरियड भी कहलाता है। फाइनली जो ट्रिपेरियट स्ट्रगल में था, राष्ट्रकूटा लास्टेड लॉन्ग
एंड राष्ट्रकूटा रूलर्स एक्टेड एज ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया बोथ द कल्चरल एज वेल एज पॉलिटिकल पर्पसेस। तो ये आप ये जो नक्शा देख सकते हैं हमारा उस पीरियड का है, ये जो हमारा एरिया है जो आप देख रहे हैं बिहार बंगाल सम पार्ट ऑफ उड़ीसा है, इट इज डोमिनेटेड बाय पालाज। ये पालाज के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था, बिहार बंगाल का एरिया है। और ये जो ये देख रहे हैं ना जो सेडेड पोर्शन, इट इज द एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट जिसके कारण हमेशा इन लोगों के बीच में संघर्ष होता रहेगा। और ये गंगा के ऊपर अगर हम आगे बढ़े तो दिस इज द कन्नौज जो मेन रीजन था स्ट्रगल का टू टेक ओवर द कन्नौज। ये पूरा गुर्जर प्रतिहारा का एरिया है जिसमें बाद में बहुत छोटे छोटे अदर्स किंगडम भी डेवलप हो गए थे। और ये राष्ट्रकूटा का है जो आपका बात करें तो गुजरात का कुछ पोर्शन, मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन और मॉडर्न डे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पोर्शन इंक्लूडेड था। साथ साथ इसमें हम देख रहे हैं कि जो आंध्र प्रदेश का एरिया है मॉडर्न तेलंगाना वगैरह भी जो है इसमें इंक्लूडेड था। तो ये थ्री रूलर्स पालाज गुर्जरा प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा कंट्रोल द मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम एंड दे वी आर एंगेज इन ट्रिपेरियट स्ट्रगल। तो व्हाट वेर द काउजेज ऑफ ट्रिपेरियट स्ट्रगल, लेट अस सी कि व्हाई दीज थ्री पावर्स आर वेर केप्ट फाइटिंग टू ईच अदर। तो मेन रीजन वाज टू टेक कंट्रोल ऑफ कन्नौज फ्रॉम द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। कन्नौज बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अभी दिल्ली बाद में हो गया था उसी तरह हर्षवर्धन के समय से कन्नौज एक पावर सेंटर के रूप में डेवलप हुआ था। तो इट वॉज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ सोवरनिटी, जैसे जो दिल्ली को जीत लेता था वो समझा जाता था पूरे इंडिया पे उसका कब्जा हो गया है। लाइक वाइज कन्नौज वॉज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ सोवरनिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम द टाइप ऑफ हर्षवर्धन। एंड व्हाई इट वॉज सो, बिकॉज कन्नौज वॉज लोकेटेड एट वेरी सेंट्रल प्लेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से कंट्रोल करना जो पूरे एरिया के लिए था वो बहुत आसान था, बिकॉज इट वॉज सेंट्रली लोकेटेड और वो इट वॉज बैंक ऑन गंगा और वहाँ से कम्युनिकेशन भी बहुत आसान था। कंट्रोल ओवर कन्नौज गेव कंट्रोल ओवर अपर गंगेटिक वैली एंड इट्स रिच रिसोर्सेज इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। आप देखते हैं कि जो अपर गंगेटिक वैली है वेस्टर्न यूपी जो आज का है वो काफ़ी शुरू से एग्रीकल्चरली काफ़ी रिच रहा है और ट्रेडिंग सेंटर ट्रेडिंग रूट्स भी उससे होकर गुजरता था। सो जो भी किंगडम कन्नौज को कंट्रोल में ले लेता था तो ही दे यूज टू हैड कंट्रोल ओवर अपर गंगेटिक वैली एज वेल एज इट्स रिच रिसोर्सेज इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। बिकॉज ऑफ दैट दे केप फाइटिंग फॉर taking Kannauj in their dominion. Other than this, other than Kannauj, Pala and Pratihara also clashed for taking control over the area extended from Banaras to South Bihar. हम इसमें देखें ये जो area है अगर हम इसकी बात करें तो ये Pratihara का area है, ये Palas का area है। तो ये जो ceded portion है बनारस का जो एरिया है और सदर्न बिहार का जो एरिया है इसको कंट्रोल में लेने के लिए भी प्रतिहारा और चोला के पालाज के बीच में स्ट्रगल होते रहा। साथ में क्लैश बिटवीन प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा वाज आल्सो फॉर द टेरिटोरियल गेन्स, कौन ज़्यादा टेरिटरी को गेन कर सकता है सो दैट दे कैन कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम देम एंड आल्सो दे कैन इंक्रीज देयर नेम एंड फेम। दे केप फाइटिंग बिटवीन देयर क्लैश बिटवीन प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा केप्ट गोइंग इन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब लेट अस टॉक अबाउट पाला डायनेस्टी, हाउ इट एस्टैब्लिश्ड, हु वेयर दिट्स इम्पोर्टेंट रूलर्स, व्हाट मेन थिंग्स हैपेंड, व्हाट वेयर द मेन इवेंट ड्यूरिंग हिज ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो लेट अस डिस्कस अबाउट पाला डायनेस्टी। इट्स रूल वाज स्टार्टेड फ्रॉम 750 AD एंड लास्टेड इन 1150 AD। आफ्टर मिडिल ऑफ द 9th century वी विल सी दैट डोमिनेशन ऑफ पाला डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्रीजिंग but in one form or another for it lasted up to 1150 AD and then finally it got eroded from the dynastic rules. So let us see ki how Pala dynasty established. We know that he after death of Harshvardhana of Thaneshwara, the death of, and death of Sasanka of Gowda, there were chaos and anarchy in eastern India. अभी भी हम देखते हैं कि अगर सेंट्रल पावर स्ट्रांग है तो जो अदर प्रोविंशियल पावर है वो कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जब सेंट्रल पावर का पतन हो जाता है किसी कारण से डिसमेट हो जाता है तो स्मॉल जो रूलर्स होते हैं वो उसको टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। और पाला डायनेस्टी के समय भी यही हुआ, स्टार्ट के समय भी यही हुआ, जब हर्षवर्धन और शशांका का डेथ हो जाता है
तो वे कंप्लीट क्यूओएसएन एनआरकी डेवलप इन दो इन द एरिया मेनली इन ईस्टर्न इंडिया. तो व्हाट हैपन इन 75-750 AD अंडर दिस क्यूओएसएन एनआरकी सम नोटेबल मैन ऑफ एरिया इट सीम्ड इट्स नॉट की इट्स वेरी क्लियर एविडेंस ऑफ दैट बट इट सीम्ड दैट दे सम नोटेबल मैन ऑफ ईस्टर्न इंडिया ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इलेक्टेड गोपाला एज किंग टू इन दिस एनआरकी. They thought that if there is a king, there is a powerful king, then there must be law and order situation under control. So some notable men, it's probably seemed that some notable men of Eastern India in 750-750 AD elected Gopala as king of this area. And who was Gopala? Gopala was an ardent Buddhist. He was follower of Buddhism. एंड सपोज टू हैव बिल्ड द मोनेस्ट्री ऑफ उदंतपुरी. उदंतपुरी आज का मॉडर्न बिहार शरीफ है. इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि उदंतपुरी का क्या लोकेशन है और आज के समय में वो क्या है. तो उदंतपुरी मॉडर्न बिहार शरीफ है. वो गोपाला ने वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी बनवाया था. गोपाला वाज सक्सीडेड बाय हिज सन धर्मपाला. गोपाला जिन्होंने की पाला डायनेस्टी को 750 AD में स्टैब्लिश किया ही वाज फाइनली सक्सीडेड बाय हिज सन धर्मपाला. धर्मपाला रूल्ड पाला डायनेस्टी फ्रॉम 770 AD टू 810 AD. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस थिंग. धर्मपाला हु सक्सीडेड गोपाला रूल्ड 770 AD टू 810 AD. तो व्हाट वर द मेन इवेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ धर्मपाला. इट इज ही इन्वॉल्व इन स्ट्रगल विद प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा. जब हमने देखा कि पैरियड स्ट्रगल इन तीनों के बीच में चल रहा था तो धर्मपाला इंगेज इन स्ट्रगल विद प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा. He was defeated by the Rashtrakuta ruler Dhruva. During this time, Rashtrakuta one ruler of Dhruva was very powerful. तो उसने धर्मपाल को हरा दिया था. He defeated Dharmapala. After the victory, Dhruva returned to Deccan, leaving field free for Dharmapala. But Dhruva didn't take control of the area after defeating the Dharmapala. He left for the Deccan, and so the area was free to Dharmapala to take under control. So Dharmapala later occupied Kannauj and held grand darbar at Kannauj. When Dhruva left Kannauj, Dharmapala take over the Kannauj and there held a grand darbar. So is ye question important hai, thoda sa dhyan rakhiyega isko ki Dharmapala occupied Kannauj and held grand darbar at Kannauj. Kab hua aisa hua? Kab? When Dhruva left for the Deccan. However, जो धर्मपाला का ऑक्यूपेशन था कन्नौज का इट डिडंट लास्ट लॉन्ग. प्रतिहारा रूलर नागभट्टा टू, रिमेंबर दिस, प्रतिहारा रूलर नागभट्टा टू डिफीटेड धर्मपाला नियर मुंगेर इन कन्नौज लॉस्ट बाय धर्मपाला. हमने देखा क्या कि धर्मपाला वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा. देन ऑल्सो ही वाज सक्सेसफुल इन टेकिंग कंट्रोल ओवर कन्नौज. बट आफ्टर सम टाइम he was defeated by Pratihara ruler Nagbhatta II near Munger and again Kannauja was lost by Dharmapala. That time Pala kingdom included Bengal and Bihar. Hum dekh rahe na ki Munger is a part of Bihar and there is a battle between Nagbhatta II and Dharmapala. So Pala kingdom included Bengal and Bihar that time. Who was Dharmapala? Dharmapala was also a Buddhist. Founded the famous Bihar or Vikramshila University. जो Vikramshila University है it was founded by Dharmapala. Please remember this thing. Vikramshila University was founded by Dharmapala who was son of Gopala. As per Tibetan Chronicle, Dharmapala revived Nalanda University. उस समय Nalanda University तो पहले से ही कुमारगुप्त के द्वारा establish किया जा चुका था लेकिन उनके समय आते आते during that time of period नालंदा यूनिवर्सिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो गया था और ट्रिब्यूट होना शुरू हो गया था. तो उसके लिए धर्मपाला ने 200 विलेज का रिवेन्यू जो ईयर मार्क करके रखा था जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर एक्सपेंस किया जाता था. सो एज पर तिब्बतन क्रॉनिकल धर्मपाला रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रिवेन्यू हाउ ही रिवाइव रिवेन्यू 200 विलेजेस वेयर ईयर मार्क फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी. And finally, Dharmapala was succeeded by his son, Devpala. Dharmapala succeeded by Devpala. Devpala regarded as the most powerful ruler of Pala dynasty. जो हम बात करेंगे Devpala का, तो जितने भी ruler Pala dynasty में हुए हैं, उसमें Devpala को सबसे ज़्यादा powerful ruler माना जाता है. Devpala regarded as the most powerful ruler of Pala dynasty.
ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर प्राग ज्योतिषपुर एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा। हमने क्या देखा कि पाल डायनेस्टी का कोर एरिया बंगाल और बिहार था, लेकिन देवपाला ने जो अपना जो ईस्टर्न बाउंड्री था एक्सटेंडेड अप टू प्राग ज्योतिषपुर जो आज का मॉडर्न आसाम है, एंड ही ऑल्सो टेकन कंट्रोल ऑफ सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु टेकन कंट्रोल ऑफ प्राग ज्योतिषपुर एंड उड़ीसा, तो इट्स आंसर इज देवपाला। देवपाला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, एंड ही टू कंट्रोल ऑफ प्राग ज्योतिषपुर एज वेल एज सम पार्ट ऑफ उड़ीसा। During his period, modern Nepal was also soon to be brought under Pala sovereignty. कुछ कुछ जो उस समय के literary source हैं उसमें ये झलक मिलती है, it's not very clear, but there are some evidences that Nepal was also, modern Nepal was also part of Pala sovereignty. He was a great patron of Buddhism and his fame spread in many Buddhist countries outside India. हमने देखा कि देवपाला तो powerful थे ही, साथ साथ में ग्रेट बुद्धिस्ट भी थे। हालांकि ऑल पाला डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे सभी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन ये इनके पावर के कारण, इनका स्ट्रेंथ के कारण ये इंडिया के बाहर भी जो बुद्धिस्ट कंट्री थे उसमें भी बहुत फेमस हो गए थे। सो ये रिमेम्बर करने की, याद रखने की चीज़ है कि हिच पाला रूलर वाज फेमस इन आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो ही वाज द रूलर वाज देवपाला। इट इज बिलीव दैट बालपुत्र देव ए जावा रूलर सेंट वेस्टर टू देवपाला फॉर ए ग्रांट ऑफ 5 villages फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ऐसा यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बाय दिस टाइम बिकम सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म लिटरेचर एंड कल्चर। सो मैनी मॉन्क्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो, मैनी बुद्धिस्ट लर्नर फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो यूज टू कम टू इंडिया टू नालंदा यूनिवर्सिटी टू गेट सम नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो उसी में बालपुत्र देव जो जावा रूलर थे उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा था देवपाला के कोर्ट में कि हमें 5 villages दे दीजिए ताकि हम नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि धर्मपाला ने भी 200 villages ऑलरेडी इसके मेंटेनेंस के लिए मार्क करके रखा था। तो जब बालपुत्र देव के एम्बेसडर का ऐसा मैसेज आया इनके पास, तो देवपाला रेडिली एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड ईयरमार्क 5 villages फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। अब है कि आफ्टर देवपाला, हमने देखा गोपाला, धर्मपाला एंड देवपाला, इनके समय जो पाला डायनेस्टी काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, लेकिन आफ्टर देवपाला धीरे धीरे जो है पाला डायनेस्टी टूटने लगा था, बिखरने लगा था। तो देवपाला वाज सक्सीडेड बाय हिज सन विग्रहपाल, याद रखने की चीज़ है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, देवपाला वाज सक्सीडेड बाय हिज सन विग्रहपाला, बट आफ्टर 3-4 years विग्रहपाला एब्डिकेटेड हिज थ्रोन। He was not removed, but he was abdicated his throne for after 3-4 years. So, Vigrahapala, son of Devapala, abdicated the throne after 3-4 years. So, he was succeeded by his son Narayanpala. Vigrahapala succeeded by his son Narayanpala, and he was defeated by Pratihara and Rashtrakuta rulers. But Narayanpala was not such a strong ruler as Dharampala or Devapala. He was defeated by Pratihara and Rashtrakuta rulers. लोस्ट मगधा एज वेल एज नॉर्थ बंगाल हार्टलैंड ऑफ पाला रूल। हमने देखा कि बंगाल और बिहार जो हार्टलैंड था पाला डायनेस्टी का, लेकिन नारायण पाला के समय ये मगध भी चला जाता है पाला डायनेस्टी से, और नॉर्थ बंगाल भी, नॉर्थ बंगाल का भी जो मेजर पोर्शन था हार्टलैंड था पाला डायनेस्टी का वो भी चला जाता है। बट लेटर पीरियड रिकवर्ड नॉर्थ बंगाल एंड साउथ बिहार फ्रॉम प्रतिहारा टुवार्ड इंडोफिज रेन। अपने रेन की समाप्त होते होते जब उनका राज्य समाप्त होने को था लास्ट फेज में, उन्होंने नॉर्थ बंगाल और साउथ बिहार को रिकवर कर लिया था। नारायण पाला सक्सीडेड बाय हिज सन राज्यपाला एंड राज्यपाला सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाला। तो उनके बाद छोटे छोटे पाला के रूलर हुए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन एनी हाउ वो पाला डायनेस्टी चलते रहा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नारायण पाला के बाद उनके सन राज्यपाला आए और राज्यपाला सक्सीडेड बाय हिज सन गोपाला टू। प्लीज रिमेंबर दिस, गोपाला वाज द एस्टेब्लिशर ऑफ फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड अगेन गोपाला टू सक्सीडेड राज्यपाला। दीज वेयर बिग वीक रूलर्स एंड पावर ऑफ पाला डिसिमिटेड लार्जली इन द एथेंस। तो जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं विग्रहपाला, नारायणपाला, राज्यपाला एंड गोपाला टू, they were not very strong rulers, they were in fact weak rulers, and because of that
power of Pala decimated to a large extent in their hands. Mahipala. In later period, Mahipala I came in power and he tried to establish power of Pala dynasty and was successful to some extent. हमने देखा कि अभी जिन रूलर्स के बारे में बात कर रहे थे वो उनके समय आते आते पाला डायनेस्टी ऑलमोस्ट डिसिमेट हो गया था, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था, लेकिन महिपाला वन जो 982-998-1030 AD रूल किया, ही ट्राइड टू री एस्टेब्लिश पावर ऑफ पाला डायनेस्टी एंड ही वाज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट। चोला रूलर राजेंद्र चोला, आपने याद आप ध्यान रखने की चीज़ है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड लेटर 9th-10th century अगेन चोला डायनेस्टी रिगेन पावर साउथ इंडिया एंड राजेंद्र चोला अटैक्ड अप टू बंगाल। आप समझ लीजिए कि ड्यूरिंग दैट पीरियड फ्रॉम तमिलनाडु फ्रॉम फार साउथ इंडिया दे अटैक टू द नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया बंगाल। सो चोला रूलर राजेंद्र चोला इन्वेडेड बंगाल ड्यूरिंग हिज रेन बट कुड नॉट सक्सीड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला रूल ओवर बंगाल। हालांकि राजेंद्र चोला डिफीटेड पाला डायनेस्टी बट डिडंट टेक कंट्रोल ऑफ द डायनेस्टी। Finally, Mahipala also recovered northern part of Bardhaman region. हमने देखा था ना कि उनके आते आते समय में नॉर्थ बंगाल और वो मगध को लूज उन्होंने कर दिया था, लेकिन बाद में उसको रिगेन किया गया था। बट Mahipala also recovered northern part of Bardhaman region. Bardhaman region का जो पार्ट उन्होंने लूज किया था Mahipala ने फिर उसको रिकवर कर लिया। मदन पाला वाज द रूल लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। हम देख रहे हैं कि इस तरह से पाला डायनेस्टी इंड पे आ रहा है और जो मदन पाला थे ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। पावर ऑफ पाला इज डिस्क्राइब्ड बाय अरब मर्चेंट सुलेमान। एक अरब मर्चेंट सुलेमान थे हु विजिटेड ड्यूरिंग इंडिया इन द मिडिल ऑफ 9th century। ही डिस्क्राइब्ड द पावर ऑफ पाला एंड ग्रैंडियर ऑफ पाला डिस्क्राइब्ड बाय अरब मर्चेंट सुलेमान। ही डिस्क्राइब्ड द फाइट ऑफ धर्मपाला जिनको रोहमा भी बोलते हैं विद राजकोटा एंड प्रतिहारा। अरब मर्चेंट सुलेमान है जो अपने मेमोयर्स है उसमें लिखते हैं कि धर्मपालन जो है राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा के साथ लगातार फाइटिंग कर रहे थे। ये डिस्क्राइब द पाला रूलर कंपनीड बाय 50,000 एलिफेंट। जस्ट इमेजिन दिस कि 50,000 एलिफेंट दैट टाइम इट्स नियर टू इम्पॉसिबल बट सर्टेनली शोज दैट कि देर मस्ट बी ए वेरी बिग एलिफेंट आर्मी विद धर्मपाला। सो 50,000 भी नहीं हो फिर भी अगर 5,000 भी हो तो इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट एंड इट्स शो दैट कि पाला डायनेस्टी धर्मपाला में कितना पावरफुल था। पाला रूलर्स हैड आल्सो क्लोज लिंक विद तिब्बत। नोटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर संरक्षिता एंड दीपांकर जिसको अतिशा भी कहा जाता है वेर इन्वाइटेड टू तिब्बत। दो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे संरक्षिता एंड दीपांकर ड्यूरिंग पाला डायनेस्टी, उनको तिब्बत में इन्वाइट किया गया था बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर डिस्कशन के लिए। पाला ऑल्सो हैड क्लोज ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया। हमने देखा था ना कि जावा सुमात्रा के रूलर के द्वारा गांव की मांग की गई थी उनके लिए। तो हम देखते हैं कि पाला रूलर हैड ऑल्सो क्लोज ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया। द पावरफुल सेलेन डायनेस्टी ऑफ मलाया रूल एंड सुमात्रा मलाया जावा एंड सुमात्रा आइलैंड सेंड मेनी एम्बेसीज टू पाला रूलर्स। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि शैलेंद्रा डायनेस्टी वाज ऑफ मलाया जावा एंड सुमात्रा आइलैंड। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम इवन इंडोनेशिया आइलैंड्स द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया वेयर रूल्ड बाय सम हिंदू रूलर शैलेंद्रा डायनेस्टी। और शैलेंद्रा डायनेस्टी हैड गुड रिलेशन गुड कल्चरल एंड ट्रेड कॉन्टेक्ट विद पाला रूलर्स एंड शैलेंद्रा डायनेस्टी हैड सेंट मेनी एम्बेसीज टू पाला रूलर्स। ही दे इवन सॉट परमिशन टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड दे पाला टू इंडो 5 villages फॉर इट्स सबकीपिंग। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सेलेन डायनेस्टी के किंग्स ने नालंदा में एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए परमिशन भी मांगा था और दे पाला ने 5 villages भी उनको दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को अपकीप करने के लिए। अब हम इस तरह से हम देखते हैं कि आनंद पाला जो लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी थे उसके बाद पाला डायनेस्टी खत्म हो जाता है एंड इट इज टेकन ओवर बाय सेना डायनेस्टी। पालाज वेर सक्सीडेड बाय सेना। सामन सेना वाज इट्स फाउंडर ही वाज डिस्क्राइब्ड ब्रह्मा क्षत्रिय। हम लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सामंत सेना वाज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज ब्रह्म क्षत्रिय। इसके पहले जितने भी पाला रूलर थे देवेर बुद्धिस्ट देवेर आर्डेंट बुद्धिस्ट एंड दे डिड लॉट मेनी थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। लेकिन जो सेना डायनेस्टी था इट्स फाउंडर वाज सामंत सुमंत सेना
and he was described as Brahma Kshatriya. Suman Sena was succeeded by his son Hemant Sena. Suman Sena succeeded by his son Hemant Sena, and Hemant Sena was succeeded by his son Vijay Sena. So sometime in question, their chronology may be asked. Ki who please arrange the ruler as per their succession, Suman Sena, Hemant Sena, Vijay Sena. So please remember that Suman Sena was the founder of Sena dynasty, and Hemant Sena and Vijay Sena were their successors. Vijay Sena ruled for more than 60 years. Vijay Sena was succeeded by his son Ballal Sena. Ballal Sena was a great scholar and wrote Dan Sarga and Adbhut Sagara. Please remember this thing. Ballal Sena, who was the son of Vijay Sena of Sena dynasty, was a great scholar and wrote two books, Dana Sarga and Adbhut Sagara. Dana Sagara and Adbhut Sagara were written by Ballal Sena. Ballal Sena was succeeded by his son Lakshman Sena in 1179 AD at the age of 16. Finally, जब बल्लाल सेना के बाद उनका सन लक्ष्मण सेन सेना डायनेस्टी को रूलर बनते हैं, तो दैट टाइम जब वो टेक ओवर करते हैं, तो एट दैट टाइम ही वाज एज ऑफ 60. बहुत काफ़ी मतलब बूढ़े हो गए थे, काफ़ी ओल्ड एज में उन्होंने सेना डायनेस्टी को के रूल उन्होंने संभाला था. इन्हीं के समय में, बल्लाल सेन के समय में, बख्तियार खिलजी का अटैक होता है. प्लीज रिमेंबर दिस अटैक ऑफ बख्तियार खिलजी ऑन बंगाल एंड बिहार टू प्लेस ड्यूरिंग बल्लाल सेना. डिटेल्ड अकाउंट इन तवाकत नासिरी ऑफ मिनहाज सिराज, पर्शियन, जिनके मिनहाज सिराज जो एक पर्शियन थे, उन्होंने अपने तवाकत नासिरी में बख्तियार खिलजी का जो अटैक था बंगाल बिहार के ऊपर, उसमें डिटेल अकाउंट दिया है. ग्रेजुअली केम अंडर टू कुल्स, और फिर इस तरह सेना डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और खिलजी के बाद, बख्तियार खिलजी का अटैक के बाद, ये तुर्क के अंदर आ जाता है, मुस्लिम रूलर्स के अंदर आ जाता है. पाला एंड सेना के बाद अदर डायनेस्टी जिन्होंने बिहार के कुछ पार्ट को रूल किया है, वो थे बिग्रह पाला थ्री, द होल्ड ऑफ पालाजोर बिहार बिफोर. हमने देखा कि बिग्रह धीरे धीरे पाला डायनेस्टी का पावर कम होते जा रहा था, डिसिमेट होते जा रहा था. तो डेथ ऑफ बिग्रह पाला थ्री द होल्ड्स ऑफ पालन बिहार बिकेन. बिग्रह पाल थ्री के डेथ के बाद जो बिहार के ऊपर पालाज का कंट्रोल था, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, खत्म होने लगा था. तो इसी में नान्यादेव फाउंडेड कारनाता डायनेस्टी इन मिथिला इन 1097. अब ये जो मिथिला डायनेस्टी है, इट्स कोर रीजन ऑफ बिहार और तिरहुत एरिया जो कहते हैं, दरभंगा समझा जा सकता है इसको. तो इट वॉज फाउंडेड बाई नान्यादेवा, कर्नाटा डायनेस्टी इन 1097. मेड सिमरावन इन चंपारण एज इट्स कैप्टन. उन्होंने अपना कैप्टन सिमराव चंपारण में बनाया. एंड सिमराव जो था कैपिटल था, इज डिफेंडेड बाई हाई वॉल्स एंड सेवन डिचेज. और इसकी चर्चा जो है तिब्बतन स्कॉलर धर्मस्वामी है, हु विजिटेड तिरहुत इन 1234. ही डिस्क्राइब्ड दैट सिमराव हैड हाई वॉल्स एंड सेवन डिचेज. इट प्रोटेक्टेड बाई सेवन डिचेज. सो नैन इसको याद रखने की जरूरत है कि नैनदेवा ने कर्नाटा डायनेस्टी 1097 में फॉर्म किया, और इसका कैपिटल सिमराव में बनाया था. ड्यूरिंग इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है, तिब्बतन स्कॉलर धर्मस्वामी जो तिरहुत 1234 में आए थे, उन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उसमें इस बारे में चर्चा मिलती है. विजय सेना डिफीटेड नैनदेवा एंड इम्प्रिजन हिम. उस जो विजय सेना थे सेना रूलर, उन्होंने नान्यादेवा को डिफीट करके उसको इम्प्रिजन कर लिया था. नान्यादेवा रोट ए कमेंट्री ऑन भरतनाट्य शास्त्र. याद रखने की जरूरत है, नान्यादेवा वाज नॉट ओनली रूलर बट ऑल्सो ए स्कॉलर टू. उन्होंने भरतनाट्य शास्त्र के ऊपर एक कमेंट्री लिखा था. इन ही रेफर हिमसेल्फ महासामंताधिपति एज वेल एज मिथिलेश्वर एंड नृपाल. तो नान्यादेवा ने अपने को क्या क्या टाइटल दिया हुआ था, महासामंताधिपति एंड मिथिलेश्वर एंड नृपमाला. नान्यादेवा ऑल्सो कंकर्ड नेपाल. नेपाल को भी अपने सब्जुगेशन में ले आया था, नेपाल को भी काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ले आया था. ही वॉज सक्सीडेड बाई सन गंगा देवा एंड मल्लदेवा. तो नान्यादेवा सक्सीडेड बाई सन गंगा देवा एंड मल्लदेवा. प्लीज रिमेंबर दिस. नान्यादेवा हु इस्टेब्लिश्ड कर्नाटा डायनेस्टी, फाइनली ही वॉज सक्सीडेड बाई सन गंगा देवा एंड मल्लदेवा. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट कर्नाटा डायनेस्टी को डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. जैसे हम जनरली देखते हैं कि राजा का एक ही बेटा राजा होता है, लेकिन यहाँ पे ही वॉज सक्सीडेड बाई सन गंगा देवा एंड मल्लदेवा. तो इससे
एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, इससे एक चांस बनता है कि हो सकता है कर्नाटक डायनेस्टी को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, दोनों को अलग अलग रूलर बनाया गया था, वन में भी रूलिंग एट मिथिला एनदर में भी रूलिंग एट नेपाल। हमने भी देखा कि कैसे नानी देवा ने नेपाल को भी अपने कब्जा में ले आया था, तो उसमें से हो सकता है कि एक को मिथिला का रूलर बना गया था बना दिया गया हो और दूसरे को नेपाल का रूलर बना दिया गया। गंगा देवा, इसमें जो गंगा देवा मल्ल देवा है उन्होंने उसमें से गंग देवा टुक हाई इंपीरियल टाइटल्स, यही उस समय जो मिडिवल पीरियड में अपने पावर को सुवरेन बनाने के लिए वो रूलर्स जो होते थे वो बड़े बड़े टाइटल्स लिया करते थे, उसी में गंग देवा टुक हाई इंपीरियल टाइटल्स। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नरसिंह देवा, गंगा देवा वाज सक्सीडेड बाय सन नरसिंह देवा। ड्यूरिंग टाइम ऑफ नरसिंह देवा बख्तियार खिलजी क्रॉस तिरहुत ब्रिटिश आर्मी ऑन द वे टू लखनऊ 1202। बख्तियार खिलजी जो कि एक तुर्क अटैकर था जिन्होंने कि नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रम सिंह यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो इस पीरियड में 1202 जब इसके रूलर नरसिंह देवा थे उन्होंने तिरहुत एरिया को क्रॉस किया था। दोनों के बीच हालांकि नरसिंह देवा ने काफ़ी कुछ दे के पीस एग्रीमेंट कर लिया था, जिसके कारण उन्होंने बख्तियार खिलजी ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया था। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राम सिम्हा तिरहुत वाज अटैक्ड बाय मुस्लिम, बख्तियार खिलजी ने तो अटैक नहीं किया लेकिन राम सिम्हा के टाइम में तिरहुत वाज अटैक्ड बाय मुस्लिम्स। अब है अभी तक हमने देखा कि पाला डायनेस्टी आया, सेना डायनेस्टी आया, उसके बाद अदर डायनेस्टी आया, अब है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत रूल। ग्रेजुअली देख रहे हैं कि 1200 AD आते आते तराइन की सेकेंड वार ऑफ तराइन के बाद, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद धीरे धीरे पूरा इंडिया जो है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है मुस्लिम रूलर्स के अंदर आने लगा था। तो इसी क्रम में 1200 सल्तनत रूल जो है दिल्ली में इस्टेब्लिश हो गया था और जो धीरे धीरे पूरे ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया को अपने कब्जे में ले रहा था। तो लेट अस टॉक अबाउट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सल्तनत रूल, आखिर इंडिया में सल्तनत रूल इस्टेब्लिश कैसे, व्हाट वेर द रीजंस। मुस्लिम तो बहुत ही वो उधर नॉर्थ वेस्टर्न एशिया में, मिडिल एशिया में थे, तो फिर वो कैसे इंडिया की तरफ आए। तो द डेवलपमेंट बिटवीन 1080 टू 1200 AD इन वेस्टर्न सेंट्रल एशिया एंड इन नॉर्थ इंडिया लेड टू अटैक्स ऑफ तुर्क्स इन नॉर्दर्न इंडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। जो भी डेवलपमेंट 1000 AD और 1200 AD के बीच में वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में हो रहा था और जो नॉर्थ इंडिया में हो रहा था, जैसे देखा हमने नॉर्थ इंडिया में कोई सेंट्रल पावर नहीं बचा था, स्मॉल स्मॉल पावर से जो आपस में कंटिन्यूस इंगेज इन बैटल्स, डिफरेंट बैटल्स, तो एक सेंट्रल पावर नहीं होने के कारण और जो वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में डेवलपमेंट हो रहा था, तुर्क ने 1200 के अराउंड इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिया। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी AD अबेसिड खलीफा डिक्लाइंड एंड एट प्लेस ऑफ इट्स मिनी स्टेट्स रूल्ड बाय तुर्क्स मजद। पहले क्या था, 9th सेंचुरी से पहले अबेसिड खलीफा का पूरा रूल था उसके ऊपर, लेकिन जैसे वो डिक्लाइन, उनका डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, स्मॉल स्मॉल पावर्स स्टेट स्टार्टेड इमर्जिंग। इनिशियली तुर्क्स वर एक्टेड एज गार्ड एंड मर्सनरी सोल्जर ऑफ अबेसिड एम्पायर। देखें कैसे तुर्क लोगों ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था। तो ये जो तुर्क थे एक्चुअली में शुरू में कोई किंग या वो नहीं थे, वो गार्ड के रूप में आए थे और मर्सनरी सोल्जर आए थे। मर्सनरी सोल्जर वो होता है कि जब बार होने के बाद अगर जीत जाता है तो वो लूटपाट करके अपना काम चलाता है। तो हर एक रूलर लोग अपने पास उस मर्सनरीज को रखते थे जो कि वो बार ओरिएंटेड ही होता था, उनका काम सिर्फ युद्ध लड़ना होता था और जो बार वोटिंग होता था उन्हीं से उन्हीं वो समझ उनका पेमेंट समझा जाता था। तो जो तुर्क थे पहले वो गार्ड के रूप में काम करते थे, मर्सनरी सोल्जर ऑफ अबेसिड एम्पायर में काम करते थे। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे अबेसिड खलीफा कमजोर पड़ने लगा, दे स्टार्टेड बिकमिंग किंग मेकर। टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, अब ये सिचुएशन में था कि जब खलीफा का पावर कमजोर हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट धीरे धीरे इंडिपेंडेंट अपने को घोषित कर रहे हैं, ऐसे में खलीफा ने अपने पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए स्टार्टेड गिविंग टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा टू द जनरल्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्फीयर्स ऑफ अथॉरिटी। जो भी जनरल्स अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेता था तो उसको ही अमीर उल उमरा की उपाधि दे देते थे, सो दैट कि वो अमीर उल उमरा जो है सल्तान इस किंग के अंदर ही हो, उसके कारण खलीफा के ही अंदर हो, इसके कारण जो उनके जो खलीफा की सुवरेनिटी है वो इनके ऊपर बनी रहे। बट दीज रूलर्स वे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द सुवरेनिटी ऑफ खलीफा। तो दीज न्यू रूलर्स फर्स्ट टू टाइटल ऑफ अमीर, जैसे अमीर उल उमरा का टाइटल उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंड लेटर ऑन दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स ए सुल्तान। तो अमीर उल उमरा तो एक तरह से खलीफा के सुवरेन थे, उसके अंदर थे, लेकिन अपने आप को सुल्तान घोषित करके पूरा अपने आप को खलीफा के रूल से इंडिपेंडेंट कर लिया, इंडिपेंडेंट फ्री घोषित कर लिया। द
During this period, due to a strife among them, many empires started and rose fall rapidly. तो इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारा एम्पायर जो है बहुत जल्दी ही उभरा और बहुत जल्दी ही समाप्त भी हो गया। अब एक गजनबी, जो मोहम्मद गजनबी की बारे में बात हम सुनते हैं, जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया था, जो स्टार्ट किया था इंडिया पर अटैक करना, तो उनकी क्या हिस्ट्री है, लेट अस नो अबाउट दैट। इन द बैटल बिटवीन समनिडीज एंड टू ट्राइब्समैन, न्यू टाइप ऑफ सोल्जर गाजी वर बॉर्न। इसमें हुआ क्या, फाइट विद तुर्क वाज द रिलीजन एज वेल एज फॉर सेफ्टी ऑफ द स्टेट। जो तुर्क थे वो पहले नेचर की पूजा करते थे, बाद देवर टुर्क वेर नो मुस्लिम इनफैक्ट। तो क्या है कि दे व्हेन दे स्टार्टेड अटैकिंग खलीफात रूलर्स, खलीफा एरिया, तो उनका मुस्लिम रूल्स था, जो मुस्लिम रिलीजन था वो भी हर्ट हो रहा था और स्टेट भी हर्ट हो रहा था। सो गजनब जो गाजी थे वो दे स्टार्टेड फाइटिंग विद तुर्क फॉर द रिलीजन एज वेल एज फॉर द सेफ्टी ऑफ स्टेट। वो अपना उनको रिलीजन भी बचाना था, जिहाद जिसको बोला जाता है, और साथ साथ उनको स्टेट की भी सेफ्टी करनी थी। तो एक तरह से एक नया जो गाजी के रूप में तुर्क पैदा हुआ। सो गाजी बाज मिशनरी एंड फाइटर एज वेल एज, जो गाजी जो तुर्क के खिलाफ लड़ रहे थे वो एक मिशनरी भी थे, जो कि जिनको कि अपना रिलीजन प्रोटेक्ट करना था, साथ साथ वो फाइटर भी थे जिनको जो जिनको कि स्टेट प्रोटेक्ट करना था। सो गाजी बाज मिशनरी एज वेल एज फाइटर एज वेल। ए टर्किश स्लेव अलप्तगिन, जो कि सेमिनिट गवर्नर थे, एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम विद इट्स कैपिटल गजनी। इसी तुर्किस में से तुर्किस ले पलप्तगिन जो थे, उन्होंने सेमिनिट गवर्नर, एक सेमिनिट गवर्नर थे, उन्होंने एक अलग इंडिपेंडेंट किंगडम को एस्टेब्लिश किया जिसका कैपिटल उन्होंने गजनी बनाया। तो हु वाज दैट रूलर, अलप्तगिन, जिन्होंने कैपिटल गजनी बनाया। महमूद असेंडेड द थ्रोन ऑफ गजनी 998 AD में महमूद गजनी के थ्रोन पे आते हैं। ही वॉज कंसिडर्ड एज हीरो ऑफ इस्लाम ड्यू टू हिज एफर्ट्स फॉर डिफेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशियन तुर्क ट्राइबल इन्वेडर्स। जो तुर्किश ट्राइबल का अटैक हो रहा था सेंट्रल एशियन तुर्किश ट्राइब का अटैक जो इस्लामिक स्टेट्स पे हो रहा था, उसको डिफेंड करने के लिए महमूद ने काफ़ी प्रयास किया था, बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ लड़ी थी इसके लिए, इसके कारण वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे मुस्लिम रूलिंग एरियाज में। फिरदौस वाज द पोएट लॉरेट इन द कोर्ट ऑफ महमूद। हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि फिरदौस किसके कोर्ट में थे, तो ही वाज द लॉरेट कोर्ट पोएट लॉरेट ऑफ कोर्ट ऑफ महमूद। फिरदौसी रोड शाहनामा, जिसमें उसके सारे चीज़ों का जिक्र है। रेन ऑफ महमूद वाज ए पीरियड ऑफ रिसर्जेंस ऑफ पर्शियन लैंग्वेज एंड कल्चर। महमूद एरिया जीतने के साथ साथ जो पर्शियन कल्चर था उसको भी रिसर्जेंस में काफ़ी हेल्प की। वो एक्चुअली में इस्लामिक स्टेट्स बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पर्शियन कल्चर को भी काफ़ी प्रोपेगेट किया। महमूद रेडेड इंडिया 70 times टू प्लंडर रीज टेम्पल एंड सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो महमूद का जो 17 times अटैक था इंडिया के ऊपर, वो मेनली जो टेम्पल और सिटीज थे उसको लूटने के लिए था, सो दैट दे कैन अमास लॉट ऑफ वेल्थ एंड दैट वेल्थ कैन बी यूज इन मेकिंग गजनी एज मोर रिचर एंड ग्रेटर स्टेट। इनिशियल रेड वाज अगेंस्ट द हिंदुस्तानी रूलर ऑफ पेशावर एंड पंजाब। अब बात आती है कि जब महमूद ने अटैक करना इंडिया पे शुरू किया, तो फिर इंडियन रूलर्स ने उन्हें क्यों नहीं रोका। इसमें जो सबसे पहला अगेंस्ट जो रेड किया गया था महमूद के द्वारा, वो था हिंदुशाही रूलर ऑफ पेशावर एंड पंजाब। उस समय पेशावर एरिया भी हिंदुशाही रूलर के अंदर था। तो उस समय हिंदुशाही रूलर जयपाला थे। इनिशियली जो है हिंदुशाही रूलर जयपाला इनवेडेड गजनी अलायंस विद हिज सन ऑफ फॉरवर्ड गवर्नर ऑफ गजनी। जिसे हमने देखा कि जो अलप्तगिन थे, उन्होंने गजनी को अपने कब्जे में ले लिया था, तो उसी में फॉर्मर गवर्नर जो थे, गजनी के फॉर्मर गवर्नर थे, उनसे अलायंस करके जयपाला ने गजनी के ऊपर अटैक किया था। बट जयपाला वाज डिफीटेड इन 1001। जयपाला वाज डिफीटेड एंड टेकन प्रिजनर महमूद बट रिलीज। लेकिन फिर से इन्होंने जयपाला ने गजनी के ऊपर अटैक किया, लेकिन फाइनली इन 1001 ही वाज डिफीटेड बाय महमूद एंड वाज टेकन एज प्रिजनर बट रिलीज। जब जयपाला को महमूद के द्वारा रिलीज किया गया, तो ही फेल्ट वेरी ऑफेंडेड एंड ही डिसाइडेड टू इंटर अ फ्यूनरल पायर एज ही थॉट दैट ही डिस्ग्रेस्ड हिमसेल्फ। अब ये देखिए, ये हम अगर रीजन के बारे में, देयर वर वेरियस रीजन व्हाई टुर्क्स वर सक्सेसफुल अगेंस्ट राजपूत रूलर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंस के होने के साथ साथ, स्ट्रेटजिकल एंड आर्मामेंट्स के डिफरेंस होने के साथ साथ, ये जो टेंडेंसी इंडियन रूलर में था उसका भी एक बहुत बड़ा रोल था
तुर्क का इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए, जो इंडियन राजपूत रूलर्स है दे वेयर वेरी इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन, और वो सोचते थे कि अगर एक बार हार गए तो हार गए वो, फिर जैसे हम देखेंगे बाद में कि जो तुर्किश रूलर थे अगर वो हार जाते थे तो फिर पूरे पावर के साथ अटैक करते थे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जयपाला ने अगर हार लिया तो हार स्वीकार करके खुद को इतना डिस्ग्रेस मान लिया और वो जलती चिता में प्रवेश कर गए। तो इसके कारण है कि इंडिया ने उसमें बहुत बड़ा पावरफुल रूलर खो दिया। अगर जयपाल उसमें जिंदा होते तो हो सकता है कि इंडियन हिस्ट्री कुछ और होता, बट इट इज हिस्ट्री हिस्ट्री। जयपाला वाज सक्सीडेड बाय हिज़ सन आनंदपाला हु फॉट डिसाइसिव बैटल विद महमूद बिटवीन 1089। तो जयपाला के बाद उनका सन आनंदपाला है वो महमूद के साथ बैटल जारी रखते हैं, बट फाइनली गॉट डिफीटेड बाय महमूद। तो अब देखते हैं कि जो हिंदुशाही रूलर जयपाल आनंदपाल थे वो लड़ाइया तो लड़ते हैं महमूद के साथ, लेकिन फाइनली दे वर डिफीटेड। महमूद वाज कॉल्ड बुद्ध सिकंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ द इमेज। हम देखते हैं कि महमूद ने 17 बार जो अटैक किया था टेम्पल और सिटीज के ऊपर, तो बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ डाला था, डिस्ट्रॉय कर डाला था। इसी के कारण उसे हिस्ट्री में बुद्ध सिकंदर या डिस्ट्रॉयर ऑफ द इमेजेस भी कहा जाता है। अब है पृथ्वीराज चौहान। कैसे वो पृथ्वीराज चौहान आए और किस तरह से बैटल उत्तरायण होता है और फाइनली क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान एसेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 48 अजमेर। जब वो मात्र 14 साल के थे तभी वो राजा बने थे और वो अजमेर में राजा बने थे। एसेंडेड द थ्रोन एट अजमेर ही। अब उन्होंने कंक्वेस्ट की पॉलिसी अपनाई एंड डिफीटेड मेनी स्मॉल स्टेट्स ऑफ राजस्थान। जो भी छोटे छोटे राज्य स्टेट राजस्थान में थे उन सबको हरा के अपने अंदर शामिल कर लिए। ही ऑल्सो डिफीटेड चंदेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ महोबा, जिसमें कि चंदेला रूलर्स को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। डिफीटेड चंदेला रूलर्स एट बैटल ऑफ महोबा। इसी बैटल में एक आल्हा नूदल नाम ब्रदर्स हैं, बैरियर ब्रदर्स हैं, जिनकी चर्चा आती है। ये हमारे फॉक जो फॉक सॉन्ग है, फॉक हिस्ट्री है या फॉक स्टोरीज है, उसमें भी आल्हा नूदल की चर्चा की जाती है। दे वर रियली ग्रेट बैरियर्स एंड दे डाइड ड्यूरिंग द फाइट ऑफ महोबा फॉर सेविंग महोबा। In this battle of Mahoba between Chandela and Prithviraj Chauhan, great various brother Alain Udal died fighting to save Mahoba. After that, Prithviraj also invaded Gujarat. Gujarat का जो area था उसके ऊपर भी पृथ्वीराज चौहान ने attack किया, but he was defeated by Gujarat ruler Bhima II. इसको याद रखने की जरूरत है कि पृथ्वीराज चौहान was defeated by Gujarat ruler, गुजरात के ruler Bhima II के द्वारा defeat कर दिए गए थे। Bhima II also defeated मोहम्मद गोरी। फाइनली जो होता है अब है कि जो गजनी का रूल था उस समय मोहम्मद गोरी आ गया था और ये जो दिल्ली अजमेर का एरिया था ये इसके ऊपर इनका कब्जा था, और पंजाब का जो बीच का एरिया था इनके ऊपर दोनों का कब्जा का ये डिस्प्यूट चल रहा था मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो जो पहला बैटल तो उत्तरायण टू प्लेस 91 जो हुआ था 1191 में, जो फर्स्ट बैटल उत्तरायण हुआ था जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, तो इसका जो मेन रीजन था वो था तरभिंडा को लेकर। तरभिंडा वाज़ ए सिटी ऑफ दैट रीजन एंड जिस चूँकि आज के समय का भटिंडा है, उसके ऊपर कंट्रोल के लिए दोनों का राइवल क्लेम था। पृथ्वीराज वाज़ टेकिंग हिज क्लेम ओवर भटिंडा एंड मोहम्मद गोरी है हिज क्लेम ओवर दैट। तो फाइनली बैटल ऑफ तराइन टू प्लेस टू टेक ओवर टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ तरभिंडा। इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी वाज सिवियरली डिफीटेड इन हिज लाइफ वाज सेव्ड बाय अंग खिलजी हॉर्समैन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है वो, उसमें मोहम्मद गोरी पूरी तरह हराया जाता है लेकिन उसको जिंदा छोड़ दिया जाता है। इट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ इंडियन रूलर्स, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ पृथ्वीराज चौहाना, जो बाद में उनको बहुत महंगा पड़ता है, और उसके कारण इसी के कारण आज का हिस्ट्री भी कुछ डिफरेंट रहा है इंडिया का। बट हराने के साथ साथ उनको जिंदा तो छोड़ ही दिया था, साथ साथ डिड नॉट आस्ट गोरी फ्रॉम पंजाब इवन आफ्टर लिबरेटिंग हिम। जैसे अब जब उनको हरा दिया तो पंजाब से उनको पूरी तरह से बाहर कर देना था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो फाइनली मोहम्मद गोरी ने फिर से अपनी सेना बनाई, बहुत बड़ी और पावरफुल सेना बनाई, और फिर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक किया 1192 में, जिसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। गोरी अटैक विद ग्रेट आर्मी
विद ग्रेट प्रिपरेशन। इस बार वो पूरे प्रिपरेशन के साथ आया था, कैनन के साथ आया था, आर्मर के साथ आया था, वेरी फास्ट मूविंग कैवेलरी के साथ आया था। और ये जो थे पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा प्रिपेयर उतना नहीं कर पाए, इनिशियली भी वो प्रिपेयर नहीं कर पाए, जो डेंजर था उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो पाए। हालांकि जब उनको पता चला कि वो अटैक करने आ रहा है तो अपने जो लोकल रूलर्स थे उनकी मदद भी मांगी और बहुतों ने मदद भी की, लेकिन जो मेन रूलर था कन्नौज का जयचंद जो कि आज के समय ट्रेटर्स के रूप में भी उसको सिनोनिमस के रूप में यूज किया जाता है, वो डिक्लाइन टू हेल्प पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज गोरी के साथ एक अलग अलायंस बना लिया था ताकि पृथ्वीराज चौहान को हराया जा सके। इसी के कारण मे भी कि जयचंद और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जयचंद ने कन्नौज के रूलर जयचंद ने पृथ्वीराज को हेल्प नहीं किया। उस समय जयचंद भी बहुत ही पावरफुल रूलर थे, अगर वो पृथ्वीराज चौहान को हेल्प कर दिए होते तो हो सकता है कि मोहम्मद गोरी वुड बी डिफीटेड इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन कोर्स ऑफ हिस्ट्री मे बी डिफरेंट माइट बी डिफरेंट। अब हुआ क्या कि एक्सलेंट कैवेलरी एंड इट्स कॉज डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, चूँकि एक साल पहले वो डिफीट हुआ था उसका मोहम्मद गोरी ने, तो वो पूरी तैयारी कर रहा था, वो समझ गया था कि इस तरह से पृथ्वीराज की सेना लड़ती है और वो पूरी तैयारी के साथ अटैक किया था। इसमें हुआ अभी साथ में क्या कि जो पृथ्वीराज के रूलर जनरल थे स्कंदा, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी को हराए थे, वो कहीं और थे। ही वॉज नॉट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द बैटल बिकॉज पृथ्वीराज चौहान वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच वार, और स्कंदा कहीं और इंगेज थे, वो वार में पार्टिसिपेट सही से नहीं कर पाए। तो फाइनली ड्यू टू एक्सलेंट कैवेलरी एंड इट्स प्लानिंग फाइनली मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो आफ्टर दैट गोरी कैप्चर्ड हांसी सरस्वती एंड सामनाय अजमेर टू, इन सबको उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। एस इट सीम दैट कि पृथ्वीराज वे अलाउड टू रूल ओवर अजमेर फॉर सम टाइम बट लेटर गॉट एक्सक्यूटेड, वैसा संभावना उस समय के कुछ सिक्कों से मिलता है जिसमें कि एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का है, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी का उस पॉइंट के ऊपर फेस ऑफ ये है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के ऊपर उस समय शासन करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उसको एक्सक्यूट कर दिया गया। पृथ्वीराज सन बाज मेड आफ्टर पृथ्वीराज चौहान गॉट एक्सक्यूटेड हिज सन बाज मेड रूलर बट लेटर ऑस्टेड इन फाउंडेड न्यू पावरफुल चौहान किंगडम सिराज था। पृथ्वीराज सन को अजमेर का रूलर बनाया जाता है लेकिन बाद उसे उन्हें भी हटा दिया जाता है, और उसके बाद पृथ्वीराज सन के जो बेटे हैं वो वहाँ से शिफ्ट करके राजस्थान चले जाते हैं और वहाँ पर चौहान रूलर चौहान किंगडम की स्टैब्लिशमेंट करते हैं, तो काफ़ी बाद तक पावरफुल है। बाय दिस एरिया टू दिल्ली एंड ईस्टर्न राजस्थान पास इन टू हैंड ऑफ तुर्क्स। तो देख रहे हैं कि उसमें दिल्ली और अजमेर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, जो कि वही था किसी भी तरह के वेस्टर्न साइड से अटैक को रोक सकता था, उनके हार जाने के बाद पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया एंड वेस्टर्न राजस्थान जो है तुर्क के हाथ में चला गया, और उसके बाद विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन ओवर इंडिया, टर्किश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने देखा कि मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में हराने के बाद उस एरिया को कब्जा कर लिया, तो उसके बाद बंगाल और बिहार को कैसे कब्जा किया। लेटेस्ट ऑफ ऑल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद इन बैटल ऑफ कन्नौज इन 1194। तराइन के युद्ध से 1192 में पृथ्वीराज चौहान के हराने के बाद जयचंद जो कि अलायंस में संभवतः एक अलायंस में था मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी ने उसे भी बैटल ऑफ कन्नौज में डिफीट किया 1194 में। आफ्टर दैट अब तो कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं रहा, वो पूरे बिहार तक का जो एरिया था वो पूरा क्लियर हो गया क्योंकि उसमें कोई पावरफुल रूलर था नहीं। तो मोहम्मद गोरी ऑल्सो अटैक वाराणसी एंड प्लंडर्ड इट, और बताया जाता है कि बहुत सारे मंदिरों को टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने। बख्तियार खिलजी हुज अंकल फॉर द बैटल ऑफ तराइन अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ एरिया ड्यून बनारस। बख्तियार खिलजी इनके एक अंकल ने बैटल ऑफ तराइन में लड़ा भी था, तो बख्तियार खिलजी को जो बनारस के बाद का एरिया था उसको इंचार्ज बनाया जाता है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मेड ही मेड मेनी रेड्स ऑन बिहार। तो जब बख्तियार खिलजी को ये पावर मिलता है रूल करने के लिए, तो वो बिहार के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करते हैं बिकॉज देयर वाज नो मैंस लैंड टाइप बिहार दैट टाइम, कोई रूलर यहाँ पे था नहीं, कोई पावरफुल रूलर था नहीं जो बख्तियार खिलजी को अपोज कर सकता था। सो वो कीप अटैकिंग बख्तियार खिलजी मेड मेनी रेड्स ओवर बिहार। ड्यूरिंग दीज रेड्स इट डिस्ट्रॉयड
Nalanda and Vikramshila University, there was no protector left. Nalanda and Vikramshila University, जो उसमें knowledge का center था, important historical center था, उसको बख्तियार खिलजी ने destroy कर दिया और उसको कोई बचाने वाला भी उसमें नहीं था. बख्तियार खिलजी finally attacked सेना capital Nadia went in disguise of hostages. अब हम देखते हैं कि बख्तियार खिलजी ने ट्रेडर्स के रूप में पूरे बिहार को क्रॉस करते हुए सेना डायनेस्टी का जो कैपिटल नादिया था वहाँ तक पहुँच जाता है. और उस समय क्या था कि अरब ट्रेडर्स हॉर्स ट्रेडिंग के लिए आते रहते थे, तो बख्तियार खिलजी भी अपना भेष बदल कर हॉर्स ट्रेडर के रूप में वहाँ पे जाता है और वो किसी तरह वो राजमहल में इंटर कर जाता है. और कुछ इंटर करने के साथ जैसे ट्रॉय में आपने देखा होगा किस तरह से हॉर्स के अंदर छुप के वो लोग जाते हैं और फिर वो पूरे रात में अटैक कर देते हैं. इसी तरह से बख्तियार खिलजी ने भेष बदल कर राजमहल के अंदर जाके वहाँ पे राजमहल के अंदर अटैक कर दिया. तो उस समय जो लक्ष्मण सेन रूलर थे उनको लगा कि पूरा गैरिसन ने ही अटैक कर दिया है, पूरे टर्किश सेना ने अटैक कर दिया था. तो जिस बार जिस बैटल को वो जीत सकते थे, बख्तियार खिलजी को हरा सकते थे, वो एरर ऑफ जजमेंट के कारण वो भाग गए. और वो तो भाग के बच के निकल गए लेकिन उनकी सारी संपत्ति और उनके बच्चे और वाइफ्स जो है वे आर कैप्चर्ड बाय बख्तियार खिलजी. तो बख्तियार खिलजी हुए अटैक बंगाला, उसके रूलर उसमें लक्ष्मण सेन थे. प्लीज रिमेंबर दिस, बख्तियार खिलजी अटैक सेना कैप्टन नादिया एंड दैट टाइम इट्स रूलर वाज लक्ष्मण सेन. फाइनली बख्तियार खिलजी मेट लखनऊती हिज कैप्टन, जो नादिया था वो नाडिया जो एरिया था उसको बहुत सारे रिवर्स क्रॉस करके जाना पड़ता था. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रूल फ्रॉम देयर. सो फाइनली बख्तियार खिलजी शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम नाडिया टू लखनऊती एंड उसको अपना परमानेंट कैपिटल बना लिया. ही एक्नॉलेज द सोवरेनिटी, उस समय जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे. तो बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक का सोवरेनिटी स्वीकार किया बट ही कीप्ट रूलिंग एरिया कंकर्ड बाय हिम एज पर हिज विल एंड विश. फाइनली बख्तियार खिलजी वाज किल्ड बाय हिज ओन ऑफिसर सलीम मर्दन खिलजी. बख्तियार खिलजी वाज किल्ड बाय हिज ओन ऑफ हिज ऑफिसर्स अली मर्दन खिलजी. और ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी को माधपुर बिहार शरीफ में बरी किया गया. इन ईयर 1225 इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली और ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बिहार शरीफ एंड बाढ़ रीजन. और इल्तुतमिश के समय जो बिहार शरीफ और बाढ़ का रीजन है उसके ऊपर इल्तुतमिश का कंट्रोल था. ही डिपीटेड हिसामुद्दीन नवाज एट तेलियागढ़ नियर राजमहल हिल्स और उन्होंने हिसामुद्दीन नवाज को तेलियागढ़ के नियर राजमहल हिल्स के सामने एक बैटल में पराजित भी किया था, डिफीट किया था. मलिक अलाउद्दीन जानी वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली इन बिहार बाय इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया. अपॉइंटेड मलिक अलाउद्दीन जानी एज फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली बिहार बाय इल्तुतमिश. सून मालिक जानी वाज ओवरथ्रो, जो मालिक जानी जो जिसको इल्तुतमिश को अपॉइंट किया गया था इसको ओवरथ्रो कर दिया गया. तो जो इल्तुतमिश के बेटे नसरुद्दीन महमूद थे ही अटैक एंड अरेस्टेड हिसामुद्दीन नवाज. हिसामुद्दीन नवाज वही है जिसको कि तेलियागढ़ में इल्तुतमिश ने डिफीट किया था, फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया था. तो नसरुद्दीन महमूद सन ऑफ इल्तुतमिश उनको हराते हैं और फिर उसको जो है फाइनली अरेस्ट कर लेते हैं. आफ्टर दैट उस समय नसरुद्दीन महमूद जो थे अवध को रूल कर रहे थे, अवध के प्रोविंशियल गवर्नर थे. तो बाद में उन्होंने जब इस अटैक के बाद वो पूरा अवध बिहार और लखनऊ को मिला अपने में मिला लिया और उसको 1227 टू 29 तक रूल किया. नसरुद्दीन महमूद अपॉइंटेड इख्तियारुद्दीन क्यूआवा यांगटून एंड आफ्टर सम टाइम इजाउद्दीन तुगलिया शेषर ऑफ बिहार. तो नसरुद्दीन महमूद ने दो लोगों को इख्तियारुद्दीन चुतस्क्यावा यांगतून नाम है इनको बिहार के गवर्नर बनाया, साथ साथ इसके बाद इजाउद्दीन तुगरिल को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया. लेकिन नसरुद्दीन महमूद के डेथ के बाद इख्तियारुद्दीन बाल खिलजी रिवोल्ट कर देते हैं बट ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय इल्तुतमिश. क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन महमूद इख्तियारुद्दीन बाल खिलजी रिवोल्टेड अगेंस्ट इल्तुतमिश. इल्तुतमिश वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली दैट टाइम बट ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय इल्तुतमिश. तो फिर जब इल्तुतमिश को लगा कि बिहार और बंगाल को एक साथ रूल करना आसान नहीं है, सो ही सेपरेटेड बिहार एंड बंगाल. तो हु सेपरेटेड, हमने देखा कि नसरुद्दीन महमूद कंबाइंड अवध बिहार एंड बंगाल टुगेदर, लेकिन इल्तुतमिश फाइनली सेपरेटेड बिहार एंड बंगाल.
अलाउद्दीन जानीबाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल एंड सैफुद्दीन ऐबक एज गवर्नर ऑफ बिहार। अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, सैफुद्दीन ऐबक को बिहार के गवर्नर बनाया गया। आफ्टर सैफुद्दीन ऐबक जो बिहार के गवर्नर थे, तुगन खान वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार। सैफुद्दीन के बाद तुगन खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया। लेकिन इल्तुतमिश के डेथ के बाद जो दिल्ली का कंट्रोल था बिहार एंड बंगाल का, वो धीरे धीरे कमजोर होते चला गया। एज फॉर द गया ईओलॉजी और किंग बन राजा, जो गया के किंग बनराज थे, वो उनका जो इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो उनका ईओलॉजी मिलता है, उसमें बलबन का कंट्रोल गया के ऊपर दिखाया गया है। तगरिल खान जो बिहार के गवर्नर थे, वो बलबन की सोवेनिटी को स्वीकार तो किया था बट रिवोल्टेड ड्यूरिंग 1279 to 1280। तगरिल खान एक्नॉलेज सोवेनिटी बलबन, रिवोल्टेड ड्यूरिंग 1279 to 1280। बलबन हिमसेल्फ मार्च तक एंड किल हिम, तो बलबन ने खुद आके अटैक किया उसके ऊपर और तुगरिल खान को अरेस्ट करके किल कर मार डाला था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली सदर्न गंगेटिक प्लेन वाज अंडर कंट्रोल ऑफ सल्तनत। तो ये हम देख रहे हैं इल्तुतमिश के बाद धीरे धीरे जो दिल्ली का कंट्रोल था वो बिहार के ऊपर कमजोर पड़ते गया, और बलबन के समय ओनली सम पार्ट ऑफ बिहार ही उनके कंट्रोल में था। बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार वाज अंडर कंट्रोल ऑफ बंगाल एंड सेवरल अदर एरिया वेयर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। बंगाल और बिहार का जो एरिया था वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट रूलर के द्वारा रूल किया जाने लगा। इन 1297 अलाउद्दीन खिलजी सेंट एन आर्मी अंडर शेख मोहम्मद इस्माइल टू दरभंगा बट वाज डिफीटेड बाय राज सकरा सिंह। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा को अपने राज्य में मिलाने के लिए, सल्तनत को मिलाने के लिए शेख मोहम्मद इस्माइल को अटैक करने के लिए भेजा था, लेकिन जो दरभंगा के रूलर राज सकरा सिंह थे उन्होंने उसको डिफीट कर दिया। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था, अगेन मोहम्मद इस्माइल अटैक दरभंगा सेकेंड टाइम एंड डिफीटेड सकरा सिंह, और सकरा सिंह वाज कैप्चर्ड एंड वाज टेकन टू द अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड आफ्टर दैट देर वाज पीस इन दरभंगा रीजन। अंडर तुगलक्स बिहार वाज इन डायरेक्ट कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के समय तो हमने देखा कैसे सकरा सिंह को साथ एग्रीमेंट किया गया, लेकिन जो तुगलक रीजन में, तुगलक पीरियड में बिहार को डायरेक्ट कंट्रोल में ले आया गया था। गयासुद्दीन तुगलक डिफीटेड हरि सिंह देवल ऑफ कन्नाड डायनेस्टी रूलिंग ओवर नॉर्थ बिहार इन 1324 ऑन द वे बैक टू दिल्ली फ्रॉम बंगाल। जब गयासुद्दीन तुगलक बिहार से बंगाल से बिहार लौट रहे थे तो इस बीच में कन्नाड डायनेस्टी के रूलर को हरि सिंह देवल को 1324 में हरा दिया। ड्यूरिंग द रेन मोहम्मद बिन तुगलक गवर्नर ऑफ बिहार अटैक्ड हरि सिंह देवल, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो गवर्नर ऑफ बिहार थे उन्होंने हरि सिंह देवल पर अटैक किया। तिरहुत रीजन वाज सिमुलेटेड इन टू दिल्ली सल्तनत एंड दरभंगा वाज रिनेम्ड एज तुगलकपुर, और जो दरभंगा एरिया था उसको कब्जे में लेकर उसका नाम तुगलकपुर घोषित कर दिया गया। हालांकि बहुत दिन तक नहीं रहा, लेकिन दरभंगा वाज रिनेम्ड एज तुगलकपुर बाद मोहम्मद बिन तुगलक। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं है। तिरहुत रीजन वाज असिमिलेटेड इन टू दिल्ली सल्तनत एंड दरभंगा वाज रिनेम्ड एज तुगलकपुर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। ए फोर्ट इन जामा मस्जिद बाद बिल्ट एट दरभंगा, और दरभंगा में किला और जामा मस्जिद बनवाया गया था। इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज तुगलक हैज बीन फाउंड फ्रॉम गया एंड पटना रीजन। फिरोज तुगलक का जो इंस्क्रिप्शन है वो गया और पटना रीजन में मिलता है, इससे पता चलता है कि उस समय इनका जो रूल था इनके ऊपर सीरिया के ऊपर था। मुल फज्जद एन मन नबुल काफसिया रिटन बाय सूफी संत हसरत सैफुद्दीन मनेरी डिस्क्राइब तुगलक रूल इन बिहार। एक सूफी संत थे हसरत सैफुद्दीन मनेरी, इन्होंने दो बुक लिखा है मल फज्जद एन मंकबुल सफिया, जिसमें कि डिस्क्राइब किया जाता है कि तुगलक रूल बिहार में तुगलक रूल का क्या नेचर था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। बिहार शरीफ बाद कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग तुगलक पीरियड। हमने देखा है कि हमेशा से पाटलिपुत्र कैपिटल रहा है बिहार का, लेकिन तुगलक के समय में, तुगलक पीरियड के समय में बिहार शरीफ जो था, आज का नालंदा या बिहार शरीफ का जो एरिया है, वो उस समय कैपिटल हुआ करता था बिहार का। टॉम्ब ऑफ मलिक इब्राहिम फाउंड ऑन द हिल्स ऑफ बिहार शरीफ। हम देखते हैं कि उसमें एक बिहार शरीफ, अगर आप जाने का मौका मिलेगा तो एक पहाड़ी, वहाँ पर छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर एक टॉम्ब है जो कि मलिक इब्राहिम का है। ये बात कंसिडर्ड है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार, फाउंड ऑन द हिल्स ऑफ बिहार शरीफ। इन 1394 ख्वाजा मेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार बाय तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद।
नसरुद्दीन महमूद जो तुगलक सुल्तान थे उन्होंने 1394 में ख्वाजा जहां को बिहार का निरीक्षण किया। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि किस तरह से मिडिवल पीरियड में तुर्क के एसेंडेंस के साथ साथ बिहार में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सल्तनत काल के रूलर्स का कब्जा रहा, उनका क्या नेचर रहा, किस तरह से उन्होंने बिहार को अपने कब्जे में लेकर रखा। तो डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार फॉर बीपीएससी एग्जाम्स। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बाद का जो मिडिवल पीरियड है, मिडिवल पीरियड ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से ससूरी मुगल पीरियड के बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड होप यू पीपल आर कीप स्टडिंग एंड अंडरस्टैंड इट बेटर वे एंड ट्राई टू डू बेटर। थैंक्स अ लॉट, कीप मूविंग इन योर डायरेक्शन। थैंक्स।